पता कि एग्ज़ाम आएगा तुम लोग मचा सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं। जो सुनेगा उसको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सुनने का मार्क्स है, सुनो। पर्पस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक। तो हम लोग स्टॉक को कंट्रोल क्यों करते हैं? टू मेंटेन ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ताकि हमारे पास स्टॉक उतना बचा रहे, है ना। मैन एक्चुअल ओवरहेड इज मोर देन अब्जॉर्ब ओवरहेड। जब एक्चुअल ओवरहेड ज़्यादा होता है किससे? अब्जॉर्ब से, जिसको अंडर अब्जॉर्बेशन बोलते हैं। और जब एक्चुअल ओवरहेड क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है, तो उसको ओवर अब्जॉर्बेशन बोलते हैं। इधर ज़्यादा था इसके लिए क्या है? अंडर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट फाइनेंशियल में रिकॉर्ड करते हैं ना, कॉस्ट में नहीं रिकॉर्ड करते। सिंपल। फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकॉर्ड एज, जो भी फैक्ट्री ओवरहेड है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वेजेस के ऊपर, डायरेक्ट वेजेस, है ना। फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकॉर्ड एज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वो चेंज होते रहता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वो चेंज होता है। किस पर डिपेंड करता है? चेंज ऑफ आउटपुट, मतलब जितना आउटपुट बनेगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज, जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको क्या बोलते हैं? मालूम है क्या? इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड बोलते हैं, ऊपर का खर्चा। लेबर टर्नओवर, जो वर्कर लोग काम छोड़ के जाते हैं ना, तो उसका क्या कंडीशन दिया है? उसमें कौन सा मेशर होता है? रिप्लेसमेंट भी, तीनों मेथड आते हैं उसके लिए, ऑल ऑफ द वो लिखने का, ठीक है। फिर डिडक्शन अलाउ एज पर कौन सा एक्ट बोला है? डिडक्शन अलाउ एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो क्या क्या डिडक्शन आता है वर्कर लोग के लिए? तो हाउस रेंट भी आता है, पीएफ भी आता है, इनकम टैक्स, मतलब ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल मतलब कंटिन्यूस बनते रहता, राइट। तो परपेचुअल वर्ड का मतलब भी कंटिन्यूसली है, ठीक है। पेमेंट टू अदर पार्टीज इज कॉल्ड एज, किसको दे रहे हम लोग? अदर पार्टी को पेमेंट दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ द पॉकेट। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द पॉकेट। और जो पहले से खर्चा होता है उसको इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं ना। अभी ट्रू ऑफ फॉल्स, अभी पूरा पढ़ाने वाला ध्यान दो, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर फिर से लूंगा चाय पीने के बाद, फिर पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। दो लेक्चर में पूरा मचा के आ जाओ, पास हो जाएंगे। कैरेज इनवर्ड इज एन ओवर हेड, नहीं, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट खर्चा होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके नीचे वाला जो रहता है वो इनडायरेक्ट रहता है ना, तो ये क्या है? ओवर हेड नहीं हो, डायरेक्ट होता है, फॉल्स है। फिर बोला है एबनॉर्मल आइडल टाइम वेजेस आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं, इसको इंक्लूड नहीं करते बच्चे लोग, ये फॉल्स है, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, यस गुड मॉर्निंग भाई। द टर्म एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट हैव द सेम मीनिंग, नहीं, दोनों का मतलब अलग होता है, फर्क होता है। जिधर सेम आया ओनली आया फॉल्स डाल देने का, सेम ओनली और है ना, नॉट आया तो फॉल्स रहता है। फाइनेंशियल अकाउंट्स गिव प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, नहीं भाई, फाइनेंशियल अकाउंट नहीं देता है, कॉस्ट अकाउंट देता है ना भाई। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फॉल्स, नहीं भाई, दोनों अलग रास्ता है भाई, आसमान है जमीन है, कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट फर्क है। स्टोर लेजर इज मेंटेन इन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, यस, स्टोर लेजर कॉस्ट अकाउंटिंग में ही होता है, फाइनेंशियल में नहीं होता है। परचेस रिक्वेस्टेड नोट, ये एग्जाम में आएगा, ध्यान दो, इज प्रिपेयर बाय स्टोर डिपार्टमेंट, यस। परचेस रिक्वेस्टेशन नोट कौन बनाता है? स्टोर डिपार्टमेंट बनाता है, राइट। अभी करा रहा बेटा, अभी पढ़ा रहा सब, ठीक है। सबको गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट इज नेसेसरी, हाँ, दोनों को मेंटेन करना पड़ता है, रिकन्सिलेशन मतलब बैलेंस करना पड़ता है, राइट, ये ट्रू है। अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर हेड टेक प्लेस ओनली व्हेन प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ ओवर हेड इज यूज, हाँ, मतलब जो पहले का रेट को इस्तेमाल करके अभी को कंपेयर करते हैं ना, इसके लिए आता है, ये भी कंफर्म आएगा। टोटल कॉस्ट मतलब होता है प्राइम कॉस्ट और ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट में फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, सबको मिला के टोटल कॉस्ट बोलते हैं, तो ये ट्रू था, ठीक है। अब और एक पेपर का तुम्हारे लिए ले लेता हूँ, आ जाओ। कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देखो ओनली आ गया, मतलब ये फॉल्स हो गया। अंडर हेल्सी एंड रोवन प्लान आर सेम, फिर ये दोनों भाई अलग अलग ना, दोनों अलग अलग बाबा भाई, ये अलग बाबा, ये अलग बाबा, तो सेम थोड़ी है, फॉल्स है। अंडर परपेचुअल इन्वेंटरी स्टॉक इज वेरीफाइड पीरियडिकली, पीरियडिकली नहीं, कंटिन्यूसली होता है, फॉल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इम्प्यूटेड कॉस्ट, कंफर्म एग्जाम में आने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इम्प्यूटेड कॉस्ट, ट्रू, ब्लैंक्स में कंफर्म है ये वाला। फिफो मेथड इज यूजली सुटेबल इन केस ऑफ पेरिशेबल आइटम, ट्रू, फिर फिफो मतलब जो पहला आएगा पहला जाएगा ना। पावर फेलियर इज एन एबनॉर्मल आइडल टाइम, अब इसका शॉर्ट टर्म भी पढ़ा रहा हूँ पूरा तुम्हारे लिए। पावर फेलियर इज एन एबनॉर्मल, मतलब लाइट चली गई तो काम रुक जाता ना, तो उसको एबनॉर्मल ही बोलते हैं, ट्रू है। ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी, ऑफिस का सैलरी बोला है, आइटम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ड्रॉइंग वर्ड आ गया ना, तो इसके लिए फैक्ट्री का ही खर्चा होता है। गुड रिसीव नोट, मतलब माल खरीदा, इस प्रिपेयर बाय स्टोर कीपर, ऑब्वियसली माल खरीदा तो स्टोर कीपर ही लिखेगा, ट्रू है। ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इंक्रीजेस कॉस्टिंग प्रॉफिट, देखो कॉस्ट बढ़ता है ना तो प्रॉफिट कम होता है, खर्चा बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है, तो फॉल्स है।
जर्नलिज्म इज एन आइटम ऑफ कॉस्ट अकाउंट, नहीं भाई फाइनेंशियल अकाउंट में आता है ना ये, एफए में आता है ना, कॉस्ट में थोड़ी आता है, तो फॉल्स है। बीन कार्ड इज सेम एज स्टोर लेजर, नहीं बीन कार्ड स्टोर लेजर में फर्क होता है ठीक है। लॉस हुआ फिक्स एसेट में तो क्या वो कॉस्ट शीट में आएगा, नहीं भाई लॉस नहीं आता है, प्रॉफिट नहीं आता है, परचेज ऑफ एसेट सेल ऑफ एसेट नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है, डिविडेंड नहीं आता, टैक्स नहीं आता है, ये कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड करते नहीं है, तो इसके लिए फॉल्स था राइट। और क्या था, डैश इज द पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, तो उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। गोल्ड और इन ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी में वो रॉ मटेरियल होता है ठीक है। मैथा भी डज नॉट डिफरेंशिएट एफिशिएंट एंड इन एफिशिएंट, तो उसको टाइम रेट बोलते हैं। रिसीविंग मटेरियल इंस्पेक्शन नोट एंड रिसीविंग ऑफिशियल विल प्रिपेयर गुड्स रिसीव नोट, क्या बनाएगा, गुड्स रिसीव नोट। सैलरी ऑफ वर्क्स, वर्क बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, ऑफिस बोले तो ऑफिस ओवरहेड आएगा। स्टैट्यूट प्रोविजन रिगार्डिंग डिडक्शन, तो टैक्स डिडक्शन एक्ट सोर्स सब कटता है ना, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था ठीक है। आज एमसीक्यू में मैच द फॉलोइंग नहीं आएगा, आज ट्रू और फॉल्स और ब्लैंक्स आएगा ठीक है, ट्रू और फॉल्स ब्लैंक्स आएगा आज। अब जो शॉर्ट नोट्स पढ़ा रहा हूँ ना ध्यान दो अच्छे से, जो पढ़ा रहा हूँ वही उठा के लिख के आने के, कुछ भी आने दो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर एक शॉर्ट नोट कन्फर्म आने वाला राइट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना। देखो एफ ए रिकॉर्ड रिपोर्ट्स एंड एनालाइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो सी ए क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट करता है, एनालाइज करता है कॉस्ट ऑफ ईच सेंटर, ये वर्ड याद रखो, ये खर्चा देखता है हर एक सेंटर में कितना खर्चा हुआ। एफ ए इज यूज बाय इवन बाय आउटसाइड एंटिटी, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट बाहर वाले भी देखते हैं, ये सिर्फ इंटरनल वाले ही देखते हैं कॉस्ट, बाहर वालों को नहीं दिखाया जाता है। एफ ए यूज डबल एंट्री, इधर कोई डबल एंट्री फॉलो होती नहीं है, अपना जो है आया गया हुआ गया ऐसा लिखते हैं। एफ ए में सब आता है, इनकम आता है, एक्सपेंस आता है, वेदर इज रिलेटेड कॉस्ट सेंटर और नॉट, मतलब कॉस्ट सेंटर के रिलेटेड है ही नहीं, इधर सिर्फ इनकम और एक्सपेंस कॉस्ट सेंटर में आएगा, जहाँ चीज़ बन रहा है वहाँ ही आता है। एफ ए इज फॉर स्पेसिफिक पीरियड, ये फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, ये कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं होता, जब हिसाब किताब करना पड़ता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तब ये किया जाता है राइट। एफ ए में क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बैलेंस शीट बनता है, इसमें कॉस्ट शीट बनता है, क्या बनता है कॉस्ट शीट, ये रुपीस में आता है, ये रिसीव्ड इशू स्टॉक मटेरियल क्वांटिटीज में आता है। एफ ए पास्ट डेटा बताता है, ये करंट डेटा बताता है। एफ ए करंट भी इस फॉर मैनेजर डिसीजन के लिए कॉस्ट वाला काम आता है। तो ये वाला तुम्हारा एक शॉर्ट नोट्स कंफर्म हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग आया था ये उठा के डाल देने का। अभी ना तुमको एक टॉपिक आएगा, सुनो इधर है, हाँ इधर क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ एलिमेंट, मतलब अपने को टाइप्स ऑफ कॉस्ट बताने के एलिमेंट के हिसाब से, तो क्या बताने का, मटेरियल लेबर एक्सपेंस है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट भी मिलता है। मटेरियल बोले तो मटेरियल लाने का खर्चा, तो मटेरियल का पूरा एग्जाम्पल डाल देने का ना, मटेरियल में क्या क्या लगता है ना, प्रोक्योरमेंट, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, वो सब। लेबर बोले तो वर्कर को दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, वेजेस दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, पीएफ दिया जाता है, वो सब देखा जाता है। एक्सपेंस मतलब जो डायरेक्ट खर्चा होता है जॉब के रिलेटेड है ना, ये तीनों खर्चों को ऐड करेगा तो क्या बोलेगा अपने को, क्या बोलेंगे क्लासिफिकेशन, कौन सा बाय नेचर, मटेरियल लेबर एक्सपेंस, ये पढ़ने का था ठीक है। ये फंक्शन बोला है, क्या बोला है, खर्चा बताने का फंक्शन के तौर पर। प्रोडक्शन मतलब जहाँ चीज़ फैक्ट्री है, जहाँ चीज़ बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब देखभाल का खर्चा, ऑफिस का खर्चा आता है ना, सैलरी, लीगल, डेप्रिसिएशन ठीक है, और ये चीज़ बनाने का खर्चा होता है। और सेलिंग मतलब बेचने का खर्चा, सेलिंग बोले तो बेचने का खर्चा है ना, तो बेचने के में सेल्स आता है, कमीशन मतलब सेलिंग एक्सपेंस, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, ये तीन ही लिखने का था, ऐसा डायग्राम बना देने का बस में ठीक है। इसमें इतना तुमको पढ़ने का था ओके। अभी नेक्स्ट चैप्टर है मटेरियल, कंफर्म है मटेरियल के ऊपर शॉर्ट नोट आने वाला है, तो कुछ भी आ दो ये उठा के डाल देना, ये उठा के डाल देना ठीक है। ये तो मटेरियल क्या करते हैं लोग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब स्टॉक को कंट्रोल करना पड़ता है ना, तो टू अवॉइड अंडर स्टॉकिंग, ताकि स्टॉक कम ना हो, ताकि कंपनी में स्टॉक का कंटिन्यूस सप्लाई होते रहे। जैसे जो वड़ा पाव वाला है वो आलू और तेल का स्टॉक मेंटेन करता है, कभी भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग, ज़्यादा भी स्टॉक लेके मतलब नहीं है ना यार, चोरी हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कोई उठा के ले जाएगा, वटा देगा, तो किसी ना अंडर स्टॉक करते ना ओवर स्टॉक करते और नुकसान होने से बचाते। मटेरियल ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी एट मिनिमम कॉस्ट, सही जगह से उठाएंगे, सही टाइम पे उठाएंगे ताकि कॉस्ट ना बढ़े। मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, कोशिश करेंगे कि जो ऑर्डर कॉस्ट है, जो संभालने का खर्चा कम हो, वेस्टेज कम करने की कोशिश करेंगे, अप टू डेट रिकॉर्ड करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन रखे कि मैनेजमेंट के पास, ये वर्ड उठा के डाल देने का है। जहाँ भी मटेरियल, इन्वेंट्री, स्टॉक रिलेटेड आया उठा के डाल दो, मार्क्स मिल गया ठीक है। हाँ कोशिश करता बच्चा, कोशिश करता सब करता। अभी एडवांटेज द मटेरियल कॉस्ट,
तो मटेरियल कॉस्ट से क्या फ़ायदा होता है, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस होता है, अननेसेसरी लॉकिंग ऑफ नहीं होता ना यार, और ये रिड्यूस कॉस्ट ऑफ बाइंग, मतलब बना खरीदने का खर्चा कम होता है, स्टोरेज का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, रिक्स का टेंशन कम करता है, वेस्टेज कम करता है, करंट इन्फॉर्मेशन रखता है, रेडी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। तो ये तुम्हारा हो गया मटेरियल कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब उठा के डाल देने का था, ठीक है। वन साइड कुछ भी आया उठा के डाल दो, और तुमको एग्जाम में सम्स भी आएगा ना मटेरियल का, मटेरियल के ऊपर सम्स भी आएगा, ये सब टेबल वेबल उठा के उसमें डाल देने का, ईओ क्यू का ये सब उठा के डाल देने का रहता है, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं, क्वेश्चन पेपर में जो आएगा उठा के डाल देने का, ठीक है। ये भी आंसर पढ़ने का था। और एक है ईओ क्यू, ईओ क्यू बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कितना उन लोग स्टॉक खरीदे ताकि उनका खर्चा कम हो, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, मतलब ऑर्डर का और कैरिंग का खर्चा कम होना चाहिए, और सही जगह से इन लोग स्टॉक मेंटेन करें कि कितने बार ऑर्डर देवे, मिनिमम मतलब कम खर्चा। तो ये क्या होता है मालूम है क्या, ऑर्डर कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर मतलब ऑर्डर लाने का खर्चा, कैरिंग मतलब संभालने का खर्चा, ऑर्डर बोले तो गुड्स को मंगाने का, कैरिंग मतलब संभालने का खर्चा, ठीक है। और ये क्या होता है, कंपनी सोच के रखती है कि कितना उसको लगेगा कितना नहीं लगेगा, फिर ये फॉर्मूला डाल देने का ना तुम लोग ईओ क्यू के ऊपर, 2AO/C, ये बोले तो एनुअल डिमांड, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी कैरिंग कॉस्ट, और खुद से एक सम लेके डाल के सॉल्व कर देने का। ये तुम्हारा शॉर्ट नोट तैयार हो गया, और थोड़ा अगर ये आ गया तो थोड़ा जो आगे वाला आंसर पड़ा वो उठा के डाल देने का, खाली छोड़ना नहीं है, खाली छोड़ा तो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर सब सम सॉल्व कराने वाला तुम्हारे लिए, तो बोला पहले थोड़ा बहुत हेल्प कर दूँ, अभी लेबर के ऊपर आ गया बोल, ठीक है। लेबर में ना सबसे पहले क्या है, अगर मस वाला पढ़ा था पहले, लेबर मतलब एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड है, तो एम्प्लॉयज़ की पगार पैसा पानी ये सब उठा के डाल देने का, राइट। अभी इसमें सबसे पहले क्या है देखो, टाइम कीपिंग टाइम बुकिंग, टाइम कीपिंग इज द सिस्टम रिकॉर्डिंग अराइवल एंड डिपार्चर, आवन जावन, कब बंदा आ रहा है कब जा रहा है, उसको बोलते हैं टाइम कीपिंग, लॉग इन लॉग आउट बोलते हैं इंग्लिश भाषा में। और बुक कीपिंग इज द सिस्टम रिकॉर्डिंग टाइम स्पेंड बाय ईच वर्कर ऑन वेरियस जॉब, वो कौन से जॉब पे कितना काम कितना टाइम स्पेंड किया उसको बोलते टाइम बुकिंग। एक नंबर टाइम कीपिंग का मेन मकसद क्या होता है, टू मेंटेन अटेंडेंस रिकॉर्ड, अटेंडेंस रिकॉर्ड ताकि उसके हिसाब से उसकी पगार मिलती है। तो मैं भी बचपन में फैक्ट्री में काम करता था, तो 4 संडे छोड़ के 26 दिन भरता था, तो एक दिन की पगार 40, तो 26 दिन के हिसाब से पगार मिलता था, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, कभी था 9th स्टैंडर्ड में ये सब, फिर तो मैं अच्छे से देख लिया है प्रैक्टिकली क्या होता है, तो मुझे जब पढ़ने आया तो बहुत मज़ा आने लगा, क्योंकि बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। और टाइम बुकिंग का मतलब होता है कि उसने हर जॉब पर कितना काम किया, कौन से साइट पर क्या किया, राइट। तो कीपिंग कैसे होता है, नॉर्मल रजिस्टर, अब्दुल आया क्या आया, राइट मारते थे उन लोग, डिक्स मेथड होता है, रिकॉर्डिंग क्लॉक होता है घंटी के हिसाब से। इधर क्या होता है, वीकली टाइम शीट, डेली टाइम शीट, जॉब कार्ड, कौन से जॉब पे क्या काम हुआ, ये ब्लैंक्स मैच शॉर्ट नोट में आएगा तो मचा देना। फिर ओवरटाइम, ओवरटाइम की भी एक कहानी है, मेरा ड्यूटी 9 से 6 होता था, 6 बजे घर पे जाके क्रिकेट खेलने का, खा पी के, फिर सेठ बोलता था, नवनाथ बोलता था, अब्दुल चराज ओवर टाइम करने का, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था 6 से 7, तो 1 घंटे का मुझे 5 रुपये मिलने का और एक चाय देने का, 5 रुपये भी मिलता था, चाय भी मिलता था, तो हम लोग करते थे ओवर टाइम। तो ओवर टाइम मतलब होता है जो नॉर्मल रेट है वो भी मिलेगा और एक्स्ट्रा पगार भी मिलेगा, सिंपल, नॉर्मल रेट भी मिलेगा और एक्स्ट्रा पगार भी मिलेगा। तो ओवर टाइम क्या है, स्पेसिफिक जॉब के लिए होता है, और ये ओवर टाइम इस नॉर्मली होता है, राइट, वो काम का ही हिस्सा होता है। और ओवर टाइम के लिए क्या है, कैश 7 है ना, ओवर टाइम से क्या होता है मालूम है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा काम करने के लिए हमसे प्रोडक्शन कराया करते थे, प्लांट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता थे, और जो काम छूट गया उसको पूरा कराया जाता था, ठीक है। और ज़्यादा ओवर टाइम से क्या होता है, बंदा थक जाता है तो खर्चा बढ़ जाता है ना कंपनी का, अभी काम करते करते इंसान परेशान भी हो जाता था, राइट। तो कोई साथ में बहुत सारे लोग काम करते थे, लोग घर पर चले जाते थे, तो काम 9 एक दिन में कितना घंटा काम होना चाहिए, 9 घंटा होना चाहिए, हफ्ते में 48, उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा होता है उसका ओवर टाइम बोलते हैं, ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पगार मिलता है। 1 घंटे का 5 रुपये मुझे मिलता था, कभी मिलता था 2006 में मिलता था, और आज 1 घंटे का आप लोग फैक्ट्री में काम करेंगे या किधर कंपनी में काम करें तो 1 घंटे का 200 मिलेगा, तो बहुत चीज़ बढ़ गई है आजकल, है ना। ये सब होता है ओवर टाइम डाल देने का, राइट। होप सो तुम लोगों को मजा आ रहा है, बच्चे लोग समझ में आया थोड़ा बहुत क्या पढ़ा है, आपका कमेंट का वेट कर रहा हूँ। बचपन में हमने बहुत मेहनत किया भाई, आओ ये भी मेरी कहानी। लेबर टर्नओवर मतलब होता है वर्कर लोग जॉब छोड़ के किधर और चले जाना। पहले मैं जिधर काम करता था ना, बोला ना 9th में, उधर 40 रुपये पगार था, कितना था 40 रुपये पगार था। फिर जब 10th में गया ना, सामने भी एक फैक्ट्री थी, उधर भी बोर्ड बनता था इलेक्ट्रिसिटी का, तो जब 10th में गया ना तो मतलब अभी इधर काम करूँगा, राइट। पहले जेश के पास था, फिर नौनत के पास गया, फिर उधर से 70 हो गया पगार, मतलब मैंने जॉब को क्या किया, इधर छोड़ के इधर ही गया, इधर छोड़ के इधर चला गया, राइट। अच्छा बीच में रुक गया था कि हाँ क्या करेगा, चला जाओ।
तो लेबर टर्नओवर मतलब वो बंदा एक जगह काम करता है, अब वो जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाता है, उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर से कंपनी को बहुत लॉस होता है, बहुत नुकसान होता है। क्यों लेबर टर्नओवर होता है? पर्सनल रीजन भाई, नहीं जमता है ना, बूढ़ा हो गया, घर का प्रॉब्लम, तो ये घर की संभाली, बच्चों को संभालना है, तो फॉर दैट रीजन एम्प्लॉय जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाता है। अनअवॉर्डेबल कॉस्ट का मतलब एक ऐसा सिचुएशन आता है कि लेबर टर्नओवर, शादी हो गई, शादी हो गई तभी ससुराल में गए नहीं वो तो लेडी, तो फिर उसका जॉब छूट जाता है। नेचर ऑफ बिजनेस सीजनल नेचर है, प्लांट लोकेशन चेंज हुआ, इसलिए जॉब क्या होता है, टर्नओवर होता है। और अवॉइडेबल कॉस्ट मतलब होता है काम अच्छा नहीं हो रहा है, पगार बराबर नहीं मिल रही, ट्रेनिंग अच्छा नहीं मिल रहा है, खाना पानी नहीं, कुछ नहीं, और वर्क, और जो मालिक है वो बेकार है, चिल्लाता है, गाली देता है, कम पगार है, तो ये रीज़न के कारण बंदे लोग जॉब छोड़ के जाते हैं ना। तो उसको रोकने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, एग्जिट, उनका जॉब के ऊपर स्टडी किया जाता है, अच्छी एटमोसफेयर किया जाता है ताकि कंपनी ध्यान देती है। तो लेबर टर्नओवर भी समझ गया, जब बंदा जॉब छोड़ के जाता है इससे मालूम पड़ता है कंपनी क्या है। देखो टाइम रेट का मतलब होता है कि तूने कितना दिन, कितना टाइम अटेंडेंस किया, मतलब तूने जॉब को कितना टाइम दिया। और पीस रेट मतलब तूने कितना पीस बनाया, जितना काम करेगा उतना मिलेगा, इतना तूने जितना टाइम दिया उसके टाइम के हिसाब से पगार होता है, काम के हिसाब से पगार होता है। इधर टाइम है, इधर काम है, टाइम और काम, ठीक है, ये याद रखने का था। अभी नाम, अभी एक ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, मतलब जो खर्चा है ना वो दिखाया जाता है, कौन सा कॉस्ट दिखाया जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट दिखाया जाता है। तो एन अप्रोप्रिएट शेयर इन जनरली टेकन टू मीन आउट शोज द अमाउंट ऑफ टाइम एफोर्ट, है ना। इसमें क्या लिखने का तुमको मालूम है क्या? एलोकेशन ऑफ ओवरहेड इज असाइनिंग ए होल आइटम ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली टू ए कॉस्ट सेंटर, है ना। पेपर कल का हार्ड था, आज का इजी आएगा बच्चा, अपन कोशिश कर रहे थे, कोई क्या करे यार, कुछ तो करना ही पड़ता है ना। तो ओवरहेड मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो ओवरहेड का सम आएगा, थ्योरी आएगा ना, ये टेबल बना देने का तुमको, ये क्वेश्चन 20 मार्क के लिए भी आने वाले, मैंने सॉल्व किया हो ऐसा है, तुमको बना देने का ओवरहेड में। और ये चीज़ समझा देने का है कि रेंट आया, लाइटिंग आया, एरिया में बांटते, लेबर वेलफेयर है ना, पर्सनल सुपरविजन वर्कर में बांटते, हॉलीडे ईयर स्पेशल वेजेस पे बांटते हैं ना, इंश्योर ऑफ स्टॉक, स्टॉक वैल्यू पे बांटते, लाइट एक्सपेंस, लाइट नंबर ऑफ लाइट पे बांटते, इलेक्ट्रिक पावर हॉर्स पावर पे बांटते, मटेरियल को संभालना मटेरियल पे बांटते, जनरल बोला तो डायरेक्ट लेबर वेजेस, ये टेबल बना देने के, ठीक है, ये टेबल बना देने के, ज़्यादा नहीं, 2-3 ही लाइन लिखने का, जो एग्जाम में आएगा वही उठा के डाल देने का, ठीक है। और इसके बाद है तुम्हारा कॉस्ट शीट है, तो आ जाओ। देखो कॉस्ट शीट से क्या फ़ायदा होता है, कॉस्ट शीट से मालूम पड़ता है कि पर यूनिट कॉस्ट कितना, मतलब एक आइटम बनाने का कितना खर्चा हुआ, फिर एलिमेंट वाइज कॉस्ट मिलता है, मतलब अमाउंट मालूम पड़ता है, परसेंटेज वाइज कॉस्ट मिलता है, क्या मिलता है, परसेंटेज वाइज कॉस्ट, सेलिंग प्राइस कितने का माल बेचा हुआ मालूम पड़ता है, कितना खर्चा हुआ वो मालूम पड़ता है, फिर बाद में फॉरवर्ड बना देने का, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट। अब अरे बच्चा मैंने पूरा कॉस्ट का 50 वीडियो बना दिया, बच्चे लोग ढूंढते ही नहीं है, 2,500 वीडियो बना, मतलब कुछ तो किया रहेगा जादूगर यार। चलो आ जाओ समझाता हूँ। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब ये कॉस्ट शीट का तुमको ना कॉस्ट का ये फॉर्मेट याद करने का है, जो तुमको मैंने बनाया था कॉस्ट का फॉर्मेट, देखो ये अलग, अभी ये सब सम सॉल्व होने वाला है, अभी किधर है ये देखो, अभी सब सम सॉल्व करने वाला तुम्हारे लिए, ठीक है। एक मैडम कॉस्ट का पेज पड़ गया, एक सेकेंड ना, कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट, हाँ ये फॉर्मेट बना देने का कॉस्ट शीट में, कॉस्ट शीट का 5-6 लाइन लिख के फॉरवर्ड बना देने का, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेगा प्राइम कॉस्ट रहेगा, फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेगा वर्क कॉस्ट रहेगा, ऑफिस का खर्चा ऐड करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, ओके। फिर से डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेगा प्राइम कॉस्ट रहेगा, फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेगा वर्क कॉस्ट रहेगा, ऑफिस का खर्चा ऐड करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इधर रुकने का ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा, फिर बेचने का खर्चा ऐड करेगा टोटल कॉस्ट आएगा, प्रॉफिट ऐड करेगा सेल। तो ये कॉस्ट शीट का कुछ भी आया ना ये उठा के डाल देगा फॉर्मेट। देखो तुम लोग को पास होने का ना पेपर भर गया हो, तुम लोग को टॉप नहीं करने का, अभी केटी केटी में टॉप नहीं होता, जिसने 40 लाया वो बच गया, ओके 40, अभी अपना सपना 40 के ऊपर, अपना सपना 40 के ऊपर अपना, पास होने का वो तुमको सोचने का, तो अपन वो इसके लिए मेहनत करें, ठीक है। और सुनो अभी इधर, और ये ब्लैंक्स मैच में किधर भी आएगा, जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग मतलब किसी का हम काम ले रहे, फर्नीचर बनाना, कोई रोड बना रहा है ना, तो उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। प्रोसेस मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़ बनती है, एक टाइम पे एक साथ बहुत सारी चीज़ बनती है, प्रोसेस यूनिट जो तुमने अभी सॉल्व किया था ना, ये टेबल बना देने का, राइट।
फिफो वेटेड ओवरहेड किया है। अभी सुनो, जो बच्चे ने कुछ किया नहीं ना, अभी मैं 5-10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, चाय पी के आता हूँ। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, 10 मिनट के बाद फिर से लेक्चर ले रहा हूँ। वो लेक्चर में मैं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ तुम्हारे लिए, पूरा बुक का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ ताकि तुमको आइडिया जाए। तो क्या क्या कराऊंगा, ओवरहेड बता दूंगा, मतलब ओवरहेड, ईओक्यू, लेबर टर्नओवर, ये लेबर रेट, एलसी, रोवेन, कॉस्ट शीट का एक्सप्लेनेशन, जितना तो उतना करा दूंगा, ठीक है? चलो जब तक तुम शॉर्ट नोट रिवाइज कर लो, आ रहा हूँ। 10 मिनट में लेक्चर चालू हो जाएगा। कितना मिनट में? 10 मिनट में, ठीक है? चलो तुमसे 1 मिनट बात कर लेता हूँ, 1 मिनट तुम्हारे से डिस्कशन कर लेता हूँ। बोलो भाई, क्या मसला है? बोलो, 1 मिनट तुमसे बात कर लेता हूँ। देखो, ओवरहेड, फिफो वेटेड और कॉस्ट शीट, ये चार टॉपिक करना है पास होने के लिए। ओवरहेड, फिफो वेटेड, कॉस्ट शीट, कुछ भी नहीं आया, हल्का पोस्टिंग भी किया तो भी पास है। हल्का पोस्टिंग कॉलम बनाने का, फॉर्मेट को दुल्हन के जैसा सजा देने का, दुल्हन के जैसा एकदम मस्त ब्यूटी बना देने का, अंदर थोड़ा कंटेंट डाले हो जाएगा। अभी यू क्यू बना रहा बच्चा, सब सिखा रहा, टेंशन मिल रहा है। अरे बच्चा 2500 वीडियो बना है यश, अभी तू कहाँ ढूंढेगा? तो इसके लिए बच्चे लोग को मैं बोलता हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, डायरेक्ट सेंड कर दूंगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का था। अभी मैं आ रहा हूँ चाय पी के, एक चाय और पी लेता हूँ, ठीक है? चाय पी के फिर तुम्हारे लिए सब तैयार कर देता हूँ, ठीक है? देखो गला बैठ गया, आवाज़ कोशिश कर रहा हूँ, बस किसी को केटी नहीं लगने चाहिए। मैं चाहता हूँ अपने बच्चे सब पास हो जावे, अच्छा खासा जॉब पे लग जावे मस्त में। फिर तुम्हारा यूट्यूब पे मैं मैसेज वेट करूँगा 6 महीने के बाद, देखता हूँ तुमको मेरी याद आती कि नहीं आती है ना, भूल जाएंगे लगता है तुम लोग यार, ठीक है? सनम बेवफा, सनम बेवफा नहीं होना, ठीक है? चलो आ रहा हूँ चाय पी के, कराता हूँ। बैफ का, बैफ का बच्चा मैं 9 बजे बनाने वाला हूँ, बैफ का, ठीक है?